खबरों की ओर, तो आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पार्टियां रेस हो चुकी हैं और इस चुनाव के तहत झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवारों का पार्टी कार्यालय में पहुंचना भी शुरू हो चुका है। इसी क्रम में सारठ विधानसभा क्षेत्र से अपनी उम्मीदवारी को लेकर पहुंचे सैफ अहमद याकूबी से बातचीत की हमारे सहयोगी मोइजुद्दीन ने। 5 वर्षों के इंतजार के बाद एक बार फिर से झारखंड में वो समय आ गया है जब लोग अपनी मेहनत से या कह सकते हैं अपनी ओर से अपने उम्मीदवार और अपनी सरकार को चुनना पसंद करेगी। दरअसल झारखंड में चुनावी घोषणा कर दी गई है। झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, खास करके तारीखों की घोषणा। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इन तारीखों की घोषणा की है, जिसमें 13 और 20 नवंबर को झारखंड में 81 विधानसभा सीटों में यानी 2 चरणों पर चुनाव होने हैं। ऐसे में तमाम सियासी पार्टियां अपनी चुनावी रणनीति तैयार कर रही है। कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा में भी तमाम 81 विधानसभा सीटों से जो उम्मीदवार हैं वो पहुंच रहे हैं और अपनी दावेदारी और अपना जो नामांकन है वो दर्ज करा रहे हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद है सारठ से हैं सैफ अहमद अयूबी, इनसे बात करते हैं। सैफ अहमद याकूबी, इनसे बात करते हैं। आप सारठ से हैं और आज क्या कुछ यहाँ पर लेकर आए हैं उम्मीदवारी के लिए, क्या बात हुई? सबसे पहले तो आपका बहुत धन्यवाद कि आपने हमसे बात किया। सारठ विधानसभा संथाल परगना की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही हॉट सीट है और आंदोलन के प्रारंभिक दौर से ही ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक गढ़ रहा है। लेकिन बड़ी दुखद है कि पिछले 2 बार से झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ पर 3 नंबर पे अपना प्रदर्शन कर पा रही है। कुछ कमियाँ हैं जिनकी वजह से ऐसा हो पा रहा है, और हमारे माननीय और आदरणीय मुख्यमंत्री हमेशा सामाजिक न्याय की बात करते हैं, लेकिन सारठ विधानसभा में एक विशेष वर्ग का कब्जा रहा है देश की आज़ादी से लेकर आज तक। मैं स्वर्गीय प्रोफेसर अबू तालिब अंसारी, जो झारखंड आंदोलनकारी और झारखंड में मुस्लिम के एक बहुत बड़े चेहरे, पिछड़ों के, दलितों के, शोषितों के एक बहुत बड़े चेहरे थे, उनके मरणोपरांत मुझे ऐसा लगा कि सारठ में सामाजिक न्याय स्थापित होना चाहिए और हम पिछड़ों की भी भागीदारी वहाँ पर सुनिश्चित होनी चाहिए। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हमेशा इस बात को कहते हैं कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड ये दलित, आदिवासियों, शोषितों और गरीबों का है, तो हम अपने मुख्यमंत्री से ये आशा करेंगे और ये उम्मीद करेंगे और उनसे ये मांग भी करेंगे कि सारठ में मुझ जैसे युवा, पढ़े लिखे, शिक्षित उम्मीदवार को टिकट देकर वो अपनी इस बात को भी पूरी कर सकते हैं कि वो सामाजिक न्याय की जो बात है। आप जिस उम्मीद के साथ अपनी उम्मीदवारी में यहाँ पहुंचे हैं, लगता है इन कमियों को आपके आने के बाद वहाँ पर सुधार हो सकता है, इस पर कहीं ना कहीं कामयाबी मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकता है, क्योंकि पिछले 2 बार से झारखंड मुक्ति मोर्चा 3 नंबर पे है और जो खास वर्ग वहाँ पे लड़ रहे हैं वही 3 नंबर पे हैं। तो क्यों ना, एक बहुत मशहूर कहावत है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो हम आबादी के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा हैं, और मैंने पहले भी कहा कि मेरे पिताजी अपना तन, मन, अपना जीवन झारखंड मुक्ति मोर्चा को समर्पित कर चुके हैं, तो मेरा ये अधिकार बनता है कि हम झारखंड मुक्ति मोर्चा में झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट से प्रत्याशी बने और उसको जीत कर दिखाएं। बहरहाल तो फिर से झारखंड में विधानसभा का चुनाव होना है और ऐसे में कहीं ना कहीं जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इसी उम्मीद के साथ जो उम्मीदवार है वो पार्टी के कार्यालय पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं इस सरकार में खुद को ये भी बता रहे हैं कि अब तक जो काम होना चाहिए था वो नहीं हो सका, खास करके आदिवासी, दलितों, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए जो चीजें, बुनियादी सुविधाएं वहां मिलनी चाहिए थे, जो हक अधिकार मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले हैं। और इसी उम्मीद के साथ ये अपनी दावेदारी करने आए हैं और इनका ये भी मानना है कि अगर पार्टी हम पर विश्वास करती है तो निश्चित ही इन तमाम मुद्दों पर हम आगे बढ़कर काम करेंगे और सारठ के जनता को न्याय दिलाने का काम जरूर करेंगे। सहयोगी प्रवीण के साथ मोइजुद्दीन, TV45।